हेलो एवरीवन, इट्स मी कोनिका। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लॉकडाउन फिर से लग चुका है, दोबारा से वन वीक लॉकडाउन है। आई होप आप लोग घर पे होंगे, बिकॉज यार इट्स फॉर योर सेफ्टी ओनली। प्लीज़ फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, डोंट गो आउटसाइड विदाउट एनी रीजन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कोविड के केसेस इतने रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, सो प्लीज़ गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दिस, गेट बैक इन द वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर करने वाली हूँ अबाउट सेंसिटिव एंड आर ड्राई स्किन। अगर मैं अपनी बात करूँ, दैट व्हाट प्रॉब्लम्स आई जनरली फेस बिकॉज ऑफ आवर ड्राई स्किन इज दैट कि या पिंपल्स इज समथिंग जो इतनी पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है तो हो ही जाती, कितना भी आप कुछ कर लो नहीं रुकेंगे। एंड मेजर प्रॉब्लम आई हैव इज माई डार्क सर्कल्स। इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के लिए मैं क्या कर दी, आई एम गोइंग टू टेल यू टूडे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो। फर्स्ट थिंग इज अ क्लींजर। तो क्लींजर क्रिएट करने के लिए मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेती हूँ? तो फर्स्ट इज मुल्तानी मिट्टी एंड सेकेंड इज एवियॉन। यार देखो, मुल्तानी मिट्टी के तो आपको बेनिफिट्स बताने की जरूरत है ही नहीं, बट स्टिल आई टेल यू, मुल्तानी मिट्टी आपके फेस को ब्राइटन अप करने में हेल्प करती है। लाइक आपके कोई पिंपल का निशान है या डार्क सर्कल्स है, कोई डार्क स्पॉट्स है, कुछ भी है, उनको लाइटन अप करती है आपके स्किन टोन को ब्राइटन अप करती है। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ मुल्तानी। ओके, सेकेंड थिंग इज उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत कूल होता है। अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करती हैं तो वो आपके फेस को बहुत कूलनेस प्रोवाइड करती है। ऑन दी अदर हैंड, एवियॉन और यू कैन से विटामिन ई कैप्सूल और एन ऑयल। तो एवियॉन यार देखो, इट्स अ मैजिकल थिंग, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है एवियॉन। आप कोई चीज़ यूज़ करें या ना करें, जस्ट यूज़ एवियॉन वंस इन अ वीक, क्योंकि एवियॉन यार इट्स समथिंग जो हर एज ग्रुप का बंदा यूज़ कर सकता है। नो मैटर यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, यू आर अ कॉलेज गोइंग और यू आर एन हाउसवाइफ, नो मैटर वो कोई भी हो, कैसे भी हो, जो भी है, यू कैन यूज़ एवियॉन सेफली, क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, क्या ही बताओ, ये पॉजिटिव इफेक्ट्स, आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी लेते हैं तो उसके अंदर भी उसकी गारंटी नहीं होती कि वो चीज़ होगी ही होगी, बट एवियॉन यूज़ करने से आई एश्योर यू टू थिंग्स आर मैंडेटरी जो होंगी ही होंगी। फर्स्ट इज आपकी जो फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, उनको वो कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। लाइक कुछ लोगों के साथ होता है कि अनवांटेड रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स उनके फेसेस पे आ जाती हैं, वो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। एंड सेकेंडली, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी। अगर मुल्तानी के साथ अगर आप मिक्स करके लगाना नहीं चाहते तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप क्या करें, रात को सोने से पहले मुंह धो के एवियॉन को अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लें एंड गो फॉर स्लीप। आपको सुबह अपना फेस एकदम क्लियर एंड एकदम टाइटर अप दिखेगा। मतलब कुछ लोगों की स्किन होती है लटक जाती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एकदम वो टाइटन अप रखेगा आपकी स्किन को एंड ग्लोई बनाएगा। सो इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट, आई मस्ट एडवाइज यू टू ट्राई इट। ओके, मुल्तानी को एंड एवियॉन को मिक्सअप करके अपने फेस पे अप्लाई करो, उसको एटलीस्ट 20-25 मिनट्स के लिए अपने फेस पे रखो जब तक वो सूख ना जाए। सूखने के बाद उसको पानी से, नॉर्मल वाटर से वॉश करना। वॉश करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टोनर। देखो यार, टोनर इज समथिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अगेन, टोनर के लिए मैं कोई ब्रांडेड या कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसके लिए भी मैं एक नॉर्मल इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ कुकुम्बर, जिसको मैं यूज़ करूँ। ये करना, कुकुम्बर को लेकर उसको अच्छे से ग्राइंड कर दो एंड उसका जो जूसी फॉर्म है उसको एक स्प्रे बॉटल के अंदर स्टोर कर लो एंड उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो। व्हाट यू नीड टू डू इज, जब आप ये मुल्तानी एंड एवियॉन का मिक्सअप अपने फेस पे लगा लेंगे, देन यू नीड टू स्प्रे दिस कुकुम्बर टोनर ऑन योर फेस। उससे क्या होगा यार, देखो कुकुम्बर के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी होती है, वो आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है। ये तो आपको एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि कुकुम्बर एंड टी बैग्स, ये दो चीज़ें हैं जो डार्क सर्कल के लिए बेस्ट हैं। बट यार देखो, आँखों पर कुकुम्बर रख के बैठ जाओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है आज की डेली लाइफ में, क्योंकि यार इतना टाइम किसी के पास होता ही नहीं है। स्पेशली मैं अपनी बताऊँ तो मैं इतनी आलसी भी हूँ कि अगर मेरे पास टाइम होगा भी तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि बस नहीं करती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। सो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन है, आप उसका कुकुम्बर जूस को एक स्प्रे बॉटल में स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख दें। आपको क्या करना है, जस्ट नॉर्मली जब भी आप कहीं बाहर से आएँ या कोई आपने फेस वॉश किया या मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने वाले, उससे पहले टोनर को अपने फेस पे स्प्रे कर लीजिए। जस्ट एज सिंपल एज दैट, आपको कुछ करना नहीं। इवन अगर आपको रात को सोने से पहले एक कॉटन पैड में इसको स्प्रे करके अपने आईज़ को क्लीन कर दे और उस पर लगा के सो जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर डार्क सर्कल्स। उससे भी आपके डार्क सर्कल्स कंट्रोल अप हो जाएंगे, एकदम जाएंगे तो नहीं बट हाँ कंट्रोल अप हो जाएंगे, धीरे 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 वो ठीक हो जाएगा। ओके, सो थर्ड थिंग आई एम यूजिंग इज आइसिंग।
आई थिंक योर फेस इन समर इज समथिंग विच इज मैंडेटरी. आई थिंक क्या होता है, देखो यार आपको क्या होता है, समर में जैसे आपको एक ठंडा पानी चाहिए होता है पीने के लिए, आइसक्रीम चाहिए होती है, ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है, ठंडा पानी पीने का मन करता है, ऐसे ही आपके फेस को भी इतनी धूप इतनी पोल्यूशन की बात थोड़ी तो ठंडक मिलनी चाहिए. योर फेस ऑल्सो डिजर्व दिस. हीटेड वॉइस, आपको आइस क्यूब्स लेनी है एंड डेली अपने फेस पे उसको स्क्रब करना है, क्योंकि इससे आपकी जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्लीन अप हो जाते हैं एंड उससे क्या होता है आपका ब्लड सर्कुलेशन फेस का इंक्रीज होता है एंड इट हेल्प्स टू रिमूव डार्क सर्कल्स अगेन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट. आइसिंग करने के बाद जो फोर्थ चीज़ है दैट इज़ मॉइस्चराइज योर स्किन. अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेकर अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर. आपके फेस पे एवियॉन लगाने के बाद आपको इतने मॉइस्चराइजर की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी. सो टेक लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइजर एंड अप्लाई इट इन योर फेस. मैं जो मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ दैट इज ऑफ जॉय बेसिक मॉइस्चराइजर है. और आप मॉइस्चराइजर की जगह अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं. एंड जो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ दैट बिलोंग्स टू अल्ट्रालाइट क्लीन फील की ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग और ये सनस्क्रीन है जो मैं यूज़ करती हूँ. ये सनस्क्रीन आप अपने फेस पे एंड बॉडी दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं. तो आई फाउंड इट्स रिजल्ट वेरी गुड. और इन प्लेस ऑफ इट अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप आर इक्वल की भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल मॉइस्चराइजर. ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर लिप्स. क्योंकि यार मानो वो हमारे फेस के छोटे से पार्ट है बट पार्ट तो है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट. दिस अ नॉर्मल वैसलीन जो ये 5 रुपए की आती है दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी. तो आप इसको ध्यान करें, थोड़ा सा लेके अपने लिप्स पे लगाएं एंड उसको मसाज आउट करें. क्योंकि आप लिप्स पे आप लिप कलर्स लगाते हैं, लिप लाइनर लगाते हैं, मतलब चीज़ें यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन एंड उनकी केयर भी बहुत ज़रूरी है. दीज ऑल आर द स्टेप्स एंड द इंग्रेडिएंट्स जो मैं अपनी ड्राई स्किन के लिए फॉलो करती हूँ एंड यूज़ करती हूँ. गो एंड ट्राई इट एंड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेशन अगर आपने ट्राई किया और ये अच्छा लगा है और आपको रिजल्ट मिले हैं तो. एंड दैट वाज जस्ट फॉर टुडे. आई होप हमको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइस लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन. प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ बी सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी एंड एंजॉय.